इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और इस साल का पहला वीडियो आपके लिए हाजिर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के यूपी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रोज का लेसन 4 का अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा और इसको हम कम से कम 25 वर्ड में लिखना चाहिए। जरूरी नहीं है, लेकिन देखो 25 वर्ड कहा जाता है लेकिन 25 वर्ड एकदम ज़रूरी नहीं होता है। फिर भी ये मान लो कि आपको कम से कम 20-22 वर्ड तो लिखने चाहिए अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे मिल जाए तो। ठीक, अब चलते हैं इसका हम आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हेन एंड वेयर वॉज एल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न। कब, व्हेन मतलब कब और वेयर मतलब कहाँ, कब और कहाँ एल्बर्ट आइंस्टीन जन्म हुए थे, कब जन्म हुआ था। ध्यान देना, जो आंसर बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही आंसर लिखो, आप अपना आंसर भी लिख सकते हो। व्हेन एंड वेयर वॉज एल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न, तो इसका आंसर होगा एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को हुआ था 1879 को, इन द जर्मनी सिटी ऑफ उल्म। जर्मनी सिटी में इनका जन्म हुआ था, उल्म नाम के, ठीक है, उल्म नाम के सिटी में। जर्मनी देश का नाम है जर्मन और जर्मनी से जर्मन बना है और वहाँ की सिटी उल्म नाम के सिटी में इनका जन्म हुआ था। जैसे हमारा होता है ना कानपुर, मुंबई, दिल्ली, सब सिटी है ना, वैसे उल्म नाम की एक सिटी जर्मनी में, वहाँ पर ही पैदा हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, बहुत छोटा आपको लगेगा, ये तो सिर्फ 10-12 वर्ड है। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर इतना ही होता है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आपको इतना में ही लिखना पड़ता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही दिया है। ठीक, एक बात एकदम इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जितना पूछा जाए उतना ही बताया जाता है आंसर में। अगर आप उससे ज़्यादा बताओगे तो टीचर समझ जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट कॉज्ड हिज मदर टू थिंक ही वॉज फ्रीक, किस मतलब क्या हुआ, क्या घटित हुआ या क्या हुआ जिसके कारण उनकी माँ को सोचना पड़े कि वो फ्रीक, यानी बड़े ही अजीब है, बड़े ही एकदम मतलब नहीं मतलब एकदम दृढ़ हैं, मतलब कि दृढ़ तो नहीं कह सकते, एकदम बड़ा ही अजीब हैं कह सकते हो। ठीक, फ्रीक, फ्रीक की कई सारे मीनिंग होती हैं, मैं यहाँ पे अजीब बोल रहा हूँ, आप डिक्शनरी चेक कर लेंगे आपको फ्रीक की कई सारे मीनिंग मिल जाएंगी। हिज हेड वॉज सीम्ड मच टू लार्ज, जो उनका सिर था वो प्रतीत होता था बहुत बड़ा, किसका सिर, एल्बर्ट आइंस्टीन का, एल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिर था वो बहुत बड़ा प्रतीत होता था। सीम्ड मतलब प्रतीत होना, मच टू लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा प्रतीत होता था, विच कॉज्ड हिज मदर, और यही कारण था कि उनकी माँ को ये विचार आया कि वो फ्रीक हैं, थोड़े मतलब थोड़े अलग हैं, थोड़े विचित्र हैं ऐसा कुछ। उनको ये विचार कब आया, जब उन्होंने देखा कि उसके बेटे का जो सिर है वो थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू अदर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, व्हाट फिजिकल इनएबिलिटी डिड आइंस्टीन हैव एवर व्हेन ही वाज 2.5 ईयर ओल्ड, कौन सी शारीरिक इनएबिलिटी, इनएबिलिटी मतलब होता है अक्षमता, कौन सी शारीरिक अक्षमता एल्बर्ट आइंस्टीन को थी जब वो 2.5 साल के थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, एंड इवन व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, और जब वो बोलने लगे, ही स्टिल हैड अ प्रॉब्लम, और जब वो बोलने लगे फिर भी उन्हें एक प्रॉब्लम थी, व्हाट, वो कौन सी प्रॉब्लम थी, मतलब एक क्वेश्चन है कि 2.5 साल तक उन्हें कौन सी प्रॉब्लम थी, शारीरिक प्रॉब्लम, और दूसरा पूछ रहा है जब वो बोलने लगे तो फिर भी उन्हें प्रॉब्लम थी। एक तरीके से आंसर बता ही दिया, पहले वाले का आंसर दूसरे वाले क्वेश्चन में ही इसने बता दिया। ठीक, क्योंकि यहाँ बात कर दी स्पीकिंग की, तो अब तुरंत समझ जाना कि स्पीकिंग वाला आंसर होगा इसका। व्हेन आइंस्टीन वॉज 2.5 ईयर ओल्ड, जब आइंस्टीन 2 साल के थे, मतलब 2.5 साल अर्थात 2.5 साल के थे, टिल देन तब तक ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, वो बोल नहीं पा रहे थे और यही उनकी शारीरिक अक्षमता थी। एंड, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा, एंड इवन व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, और जब वो बोलने लगे, ही स्टिल हैड अ प्रॉब्लम ऑफ अटरिंग एवरीथिंग ट्वाइस, फिर भी उन्हें उस समय यह प्रॉब्लम थी कि वो हर एक चीज़ को दो दो बार बोलते थे। अटरिंग मतलब होता है बोलना और एवरीथिंग होता है सब कुछ, ट्वाइस मतलब दोगुना, तो हर चीज़ को वो दो दो बार बोलते थे। आगे चलते हैं। व्हाई डिड ही प्लेमेट्स कॉल हिम, व्हाई डिड हिज प्लेमेट, प्लेमेट मतलब खेलने वाले साथी को क्या बोलते हैं, प्लेमेट, जैसे क्लासमेट होता है ना, क्लासमेट, साथ में पढ़ने वाले को क्लासमेट कहते हैं, वैसे प्लेमेट साथ में खेलने वाले को प्लेमेट कहते हैं। व्हाई डिड हिज प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बोरिंग, क्यों उनके जो खेलने वाले दोस्त होते थे, साथी होते थे, उसे ब्रदर बोरिंग मतलब कि
बोरिंग भाव ब्रदर, मतलब भाई जो बहुत बोरिंग होता है वो क्यों कहते थे? इसका आंसर होगा हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग एज ही डिड नॉट नो वॉट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन। वो नहीं जानते थे कि बाकी चिल्ड्रन बाकी बच्चों के साथ कैसा क्या करना है, क्या करना है, कैसे खेलना है, तो इसलिए लोग उन्हें बोरिंग कहते थे। बहुत सिंपल है कि उस समय जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि बाकी बच्चों के साथ उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसीलिए वो हमेशा शांत रहते थे और लोग उन्हें बोरिंग कहते थे। फिफ्थ, वॉट डिड हेड मास्टर वंस टेल हिज फादर। एक बार हेड मास्टर जो बोलते हैं ना अध्यापक होते हैं, हेड मास्टर जो होते हैं स्कूल में, हेड मास्टर होते हैं जिसे प्रिंसिपल होते हैं ऐसे हेड मास्टर होते हैं, तो हेड मास्टर ने एक बार क्या कहा था उनके पिता से? तो इसका आंसर होगा द हेड मास्टर वंस, एक बार हेड मास्टर ने टोल्ड मतलब बोला था हिज फादर, उनके पिता को बोला था दैट मतलब कि व्हाट आइंस्टीन चोज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर, मतलब कि एडिसन को कौन सा प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन मतलब होता है कौन सा जॉब या कौन सी फील्ड वो चूज़ करेगा, कौन सा वो जो भी वो व्यवसाय चूज़ करेगा वुडंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, वो कोई मतलब पर नहीं रहता। फिर समझो आइंस्टीन व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन, जो कोई भी वो प्रोफेशन चूज करेगा वुडंट मैटर, वो कोई मतलब नहीं रखेगा, बिकॉज क्योंकि ही वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनी थिंग, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाएगा, ऐसा हेड मास्टर ने कहा। फिर समझो हेड मास्टर ने क्या कहा, हेड मास्टर ने कहा वॉट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर, मतलब जो कुछ भी आइंस्टीन प्रोफेशन चूज करेगा, जैसे डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर बनना चाहेगा, क्रिकेटर बनना चाहेगा, फुटबॉलर बनना चाहेगा, कुछ भी बनना चाहेगा, वो कुछ मतलब नहीं रखेगा, बिकॉज क्योंकि ही वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनी थिंग। उनका ये मानना था हेडमास्टर का कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो सक्सेस नहीं पा पाएगा किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ में, और यही बात उन्होंने उनके पापा से, मतलब आइंस्टीन के पापा से कही। सिक्स, अगर ये हमारे हमारे मम्मी पापा से कोई ऐसा कहे तो हमारे मम्मी क्या क्या करते हैं, आएंगे खूब डांटेंगे, वहाँ तो कम डांटेंगे, स्कूल में घर पे आएंगे खूब डांटेंगे, रास्ते भर डांटते रहेंगे, क्या करते हो, क्या करते हो, ऐसा करोगे वैसा करोगे कुछ नहीं कर पाओगे, ये वो डांटने लगते हैं ना, है ना। कितने लोगों के साथ ये हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर बताइएगा, ठीक है ना। सिक्स, हाउ डिड आइंस्टीन फेयर एट द म्यूनिस स्कूल, मतलब यहाँ फेयर मतलब है कि उन्होंने क्या अच्छा किया या क्या कुछ भी किया, मतलब उन्होंने क्या किया म्यूनिस स्कूल में, ये बताना है, या उनका व्यवहार कैसा था, या उनकी मतलब कि उन्होंने कैसा काम किया म्यूनिस स्कूल में। इसका आंसर होगा आइंस्टीन वॉज अ गुड स्टूडेंट एट द म्यूनिस स्कूल, म्यूनिस स्कूल में जो आइंस्टीन थे वो अच्छे छात्र थे, वेयर जहाँ पर ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, जहाँ पर उन्होंने अच्छे मार्क्स अच्छे नंबर लाए इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग हर सब्जेक्ट में उनका अच्छा मार्क्स आया, और यही उनकी उपलब्धि थी बोल सकते हो, या यही उनका काम था जो उन्होंने म्यूनिस स्कूल में किया था। लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनका मेन काम क्या होता है, पढ़ना और अच्छे मार्क्स लाना, है ना। इसमें कई लोग बोलेंगे सर इसमें एक बात तो ऐड किया ही नहीं आपने कि वो स्ट्रिक्ट रूल के खिलाफ थे, वो इसीलिए स्कूल छोड़ दिए, लेकिन बेटा वो उन्होंने स्कूल में नहीं किया, स्कूल से बाहर किया ना, एक तरीके से वो स्कूल में नहीं काउंट होगा। अगर आप स्कूल छोड़ रहे हो तो आप ऐसा नहीं बोलोगे मैंने स्कूल में स्कूल छोड़ दिया, कोई पूछेगा भाई बताओ आपने स्कूल में क्या किया तो बोलोगे मैंने स्कूल में स्कूल छोड़ दिया, नहीं ना, आप बोलोगे मैंने स्कूल में टेंथ पढ़ा या नाइन्थ पढ़ा या एट पढ़ा, ये बोलोगे ना, और मैं पास हो गया ये बोलोगे ना, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना ही रहेगा। अब चलते हैं आगे। सेवन्थ, व्हाट डिड आइंस्टीन हेट अबाउट द स्कूल, कौन सी चीज़ आइंस्टीन नफरत करते थे स्कूल के बारे में। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें डालेंगे हम, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही वेन ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, मतलब उन अच्छे चीज़ों के लिए उन्होंने कब स्कूल छोड़ा, और वो उनका उम्र क्या था, सिंपल उनका उम्र कब था क्या था, या वो कितने वर्ष के थे जब उन्होंने स्कूल छोड़ा अपने अच्छे के लिए। पहला क्या लिखा क्वेश्चन कि वो स्कूल से क्यों नफरत, स्कूल की किस चीज़ से नफरत करते थे, और दूसरा वो कितने साल के थे जब उन्होंने स्कूल छोड़ा। तो इसका दो क्वेश्चन का दो आंसर होगा। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन मतलब होता है रुकावट, इसको हम स्ट्रिक्टनेस कह सकते हैं, कि आइंस्टीन नफरत करते थे स्कूल के रेजिमेंटेशन से। ही वॉज 15 ईयर ओल्ड, वो 15 साल के थे व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, जब उन्होंने अच्छे काम के लिए स्कूल छोड़ दिया। ठीक, नेक्स्ट,
Why did Einstein want to continue his education in German speaking Switzerland? ठीक, Einstein क्यों, why मतलब क्यों, Einstein क्यों चाहते थे कि वो continue, मतलब वो आगे बढ़ें या वो continue करें, वो जारी रहें his education, उनका जो education है वो जारी रहे in German speaking Switzerland, German speaking Switzerland में उनका education क्यों जारी रहे, ऐसा वो क्यों चाहते थे, ये question है, इसका answer होगा Einstein wanted to continue his education in German speaking Switzerland. Einstein चाहते थे कि उनकी पढ़ाई है वो जारी रहे German speaking Switzerland में as जैसे कि this city was more liberal than Munich. क्योंकि ये जो सिटी था ये ज़्यादा अच्छा था म्यूनिख से. एक बार ध्यान दो, मैंने गलती कर दिया है, मैंने जो म्यूनिख की स्पेलिंग लिखी थी वो गलत लिख दी थी, क्वेश्चन नंबर 6 में शायद, तो उसको आप सही कर लेना. ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, मतलब देखो यहाँ लिखा है एज दिस सिटी, दिस सिटी मतलब स्विट्जरलैंड की बात हो रही है, स्विट्जरलैंड जो सिटी थी वाज मोर लिबरल, लिबरल मतलब उदार होता है, लिबरल मतलब होता है कि जो ज़्यादा कड़ाई नहीं करता है, वो समय के अनुसार ना थोड़ा ढिलाई करता है, वो हर एक बात पे पुरानी बातों को लेकर नहीं चलता है, उसे बोलते हैं लिबरल. तो जो सिटी था वो ज़्यादा लिबरल था, ज़्यादा उदार था कंपेयर टू म्यूनिख. मतलब हो सकता है म्यूनिख में पुरानी बातों को रखा जाता हो, पुरानी चीज़ों को कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, हमें हमारे पूर्वजों ने हमें ये बताया, हमारे दादाजी ने ये बताया यही करो, लेकिन जबकि स्विट्जरलैंड में ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा ज़्यादा लिबरल थे, ज़्यादा उदारवाद लोग थे. उदारवाद मतलब होते हैं जो नए नए चीज़ों को लेकर एक्सेप्ट करते हैं कि ये चलो कोई बात नहीं, ये ठीक है वो ठीक है, इस सब को लेकर वो स्विट्जरलैंड में ही पढ़ना चाहते थे, अपनी पढ़ाई आगे बढ़ना करना चाहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you know about मिलेवा मैरिक? मिलेवा मैरिक के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसका आंसर हम छोटा लिख रहे हैं. मिलेवा मैरिक वॉज अ फेलो स्टूडेंट ऑफ आइंस्टीन. मिलेवा मैरिक एक फेलो स्टूडेंट मतलब होता है साथी छात्र थी आइंस्टीन की, अर्थात आइंस्टीन के साथ वो पढ़ती थी. विथ हु ही गॉट मैरिज, जिनके साथ वो साथ उन्होंने शादी किया, किसने, आइंस्टीन ने शादी किया, अर्थात मिलेवा मैरिक आइंस्टीन के साथ पढ़ने वाली छात्र थी और जिनके साथ उन्होंने शादी किया आफ्टर फ्यू ईयर, कुछ सालों बाद. सी वॉज क्लेवर एंड वॉज शर्ब, वो क्लेवर थी, वो चालाक थे और शर्ब. शर्ब क्या है, देखो जैसे हम इंडिया का रहने वाले को इंडियन कहते हैं, पाकिस्तान रहने वालों को पाकिस्तानीज कहते हैं, बांग्लादेश में रहने वाले को बांग्लादेशीज कहते हैं, श्रीलंका में रहने वाले को श्रीलंकन कहते हैं, वैसे ही सीरिया या सेरेबियन एरिया मतलब सीरिया वाले एरिया में रहने वाले लोगों को हम सर्ब कहते हैं. ठीक है, सेरेबियन एरियाज बोलते हैं उसको, तो सर्ब उससे बना हुआ है. ठीक, तो सर्ब क्या है, सीरिया या सीरिया के अगल बगल रहने वाले लोगों को हम सर्ब कहते हैं. नेक्स्ट, आफ्टर बींग अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इन 1900, मतलब 1900 में जब वो यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय ग्रेजुएट स्नातक बोलते हैं, जब वो यूनिवर्सिटी स्नातक हो गए 1900 ईस्वी में, व्हाट डिड आइंस्टीन डू टू अर्न मनी, उन्होंने क्या किया पैसा कमाने के लिए. इसका आंसर देखो छोटा हो सकता है बड़ा, मैं छोटा वाला बता दूंगा अभी. आफ्टर बींग अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इन 1900, है ना, मतलब कि विश्वविद्यालय स्नातक होने के बाद 1900 ईस्वी में आइंस्टीन वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, वो एक टीचिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब क्या होता है, किसी का हेल्प करने वाला, एक सहायक टीचर बन गए. गेव प्राइवेट लेसन, वहाँ पे वो प्राइवेट यानी कि वो अकेले या बोल सकते हो कि वो किसी को प्राइवेट लेसन देते हैं. जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ सर मुझे पढ़ाइए, तो वो सिर्फ मुझे पढ़ाते हैं. सर दो तीन लोगों को सिर्फ पढ़ाना, तो वो दो तीन लोगों को पढ़ाते थे, ऐसे वो पढ़ाते थे. एंड सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और उसके बाद उनकी जॉब भी सिक्योर हो गई 1902 में, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. बर्न में एक पेटेंट ऑफिस था, वहाँ पर वो टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में 1902 में इनका जो जॉब था वो लग गया. उससे पहले वो क्या कर रहे थे, वो असिस्टेंट हो गए, टीचिंग असिस्टेंट बन गए थे और लोगों को प्राइवेट लेसन देते थे. तो देखो इनिशियली जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, गेव प्राइवेट लेसन तक ही. ठीक, लेकिन क्योंकि हमें थोड़ा कवरअप करना पड़ता है इसलिए मैंने बर्न तक लिख दिया. फिर से समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन है उसका आंसर नॉर्मली देखा जाए तो गेव प्राइवेट लेसन तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप इसको बढ़ा के भी लिख सकते हो जहाँ तक मैंने लिखा है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब रिलेटिविटी मतलब कि एक बोल सकते हो कि समय का संबंध को लेकर आइंस्टीन ने कौन सी थ्योरी दी थी, स्पेशल थ्योरी क्या दी थी। तो ये है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। जो उन्होंने थ्योरी दी थी उसके अनुसार जो समय है और जो डिस्टेंस मतलब जो दूरी है वो एब्सोल्यूट, वो समान नहीं हो सकती, एक जैसी नहीं हो सकती। इसका कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जितनी दूरी आपको लगे उतना समय आपको ना लगे किसी चीज़ को लेकर। कोई चीज़ जल्दी जा सकती है, कोई चीज़ आराम से जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जहाज़ ही ले लो, जहाज़ क्या है, उतनी ही दूरी को एक जहाज़ जल्दी पार करेगा कंपेयर टू ट्रेन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है दूरी समान हो लेकिन समय जो लगता है, जो टाइम लगता है वो ज़्यादा कम हो सकता है। और इसी से बोलते हैं ना कि यहाँ पर दिन मतलब हो सकता है अर्थ पर एक साल होता है, कहीं पर बोलते हैं अरे वहाँ पर तो एक दिन ही होता है। तो ये इसी थ्योरी का समअप निकलता है कि भारत में या पूरे अर्थ का एक दिन होता है 24 घंटे। हो सकता है जो मार्स है या जो दूसरा कोई प्लैनेट है उसका एक दिन हमारे अर्थ से 2 दिन का बराबर होता हो, मतलब वहाँ 48 आवर में एक दिन होता हो। हो सकता है हमारे यहाँ एक दिन 24 घंटे में होता हो। तो यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं आइंस्टीन अपने स्पेशल थ्योरी में, जहाँ वो कहते हैं कि टाइम और डिस्टेंस हमेशा बराबर नहीं होते हैं, और इसी से वो इक्वल टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला देते हैं। वो मैंने नहीं लिखा है, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट ब्रॉट प्रूव दैट आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज एक्यूरेट। कौन सी थ्योरी या कौन जो उन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो कैसे किसके द्वारा प्रूफ हुआ कि वो एक्यूरेट था, वो सही था। तो कई सारे प्रूफ हैं उसके, लेकिन जो किताब में दिया वो हम प्रूफ लिखेंगे। कई सारे प्रूफ हैं, वो प्रूफ ये है, ट्रू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल, तो ट्रू नहीं होगा वहाँ टू होगा, वो गलती हो गया है, यहाँ टी आर यू लिखा है ना वहाँ टू होगा। टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। दो एक्यूरेट मतलब कि दो घड़ियाँ विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। दो एक्यूरेट घड़ियाँ एकदम सही घड़ियाँ वो अगर उसको हम कंटिन्यू करते तो वो सेम टाइम नहीं दिखाएंगे। इफ़ यदि दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, अगर वो दोबारा एक यात्रा करके आते हैं, सपोज करो हम दो घड़ी मेरे पास, ठीक है, या दो घड़ी एक मेरे पास, ये एक मान लो आपके पास, हम दोनों क्या हो रहे हैं किसी एक जगह से, मान लो दिल्ली से हम स्टार्ट कर अपने अपना वो जर्नी, आप थोड़ा तेज अपनी स्पीड, आपकी तेज स्पीड थोड़ी तेज है और मेरी स्पीड थोड़ी धीमी है, और हम पूरा अर्थ का चक्कर लगाते हैं, मान लो हमें लगता है 15 दिन 20 दिन ऐसा कुछ लगता है, ठीक है ना। तो हम जब दोबारा फिर दिल्ली जब मिलेंगे तब क्या होगा, इफ़ लिखा है कि वो सेम नहीं रहेंगे, भाई लिखा है ना विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो एग्जैक्ट सेम टाइम नहीं दिखाएंगे। हो सकता है आपकी घड़ी थोड़ा तेज दिखाए, मेरी घड़ी थोड़ी धीमी दिखाए। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट होगा, हास्ट को भी फास्ट भी कह सकते हैं, रिलेटिव टू द अदर, ठीक है। तो वहाँ फास्ट होना चाहिए, जहाँ हास्ट लिखा है तो दो गड़बड़ हो गया है, एक ट्रू नहीं होगा वहाँ टू होगा, और जहाँ फास्ट लिखा है वहाँ फास्ट होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ फिर से, लिखा है टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, दो एकदम सही क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो आपको सेम टाइम नहीं दिखाएंगे दो एक्यूरेट क्लॉक। इफ़ यदि दे कम टुगेदर अगेन, अगर वो एक साथ आते हैं दोबारा आफ्टर अ जर्नी एक यात्रा के द्वारा, और इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, सपोज करो वही चीज़ है कि दो घड़ियाँ हैं, ठीक है ना, तो दो घड़ियाँ हैं, हम मान लो कि आपको घर से ऑफिस जाना है दोनों लोग को, हम दोनों के पास एक ही टाइप की घड़ी है और वो एक जैसी घड़ी है, टाइमिंग जब हम घर से निकल रहे हैं तो लगभग सेम है, और हमें मान लो ऑफिस पहुँचने में 5-6 घंटा लगेगा, गैस करो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बाइक से जा रहा हूँ, आप कार से जा रहे हो, आपका कार की स्पीड तेज है, मेरी थोड़ी धीमी है, हम दोनों ऑफिस मिलेंगे तब आप घड़ी मिलाओगे, थोड़ा सा अंतर आपको मिल जाएगा दोनों घड़ियों में, ठीक। यही चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रहे थे आइंस्टीन, और इसके द्वारा प्रूफ होता है कि डिस्टेंस तो सेम है, हम यहाँ घर से और ऑफिस की डिस्टेंस तो एकदम सेम है, लेकिन क्योंकि वो कार से गए हैं और मैं बाइक से गया हूँ, तो इसलिए जो घड़ी की स्पीड है
वो थोड़ी सी डिफरेंस आएगी, जितनी लंबी दूरी होगी उतना ज़्यादा डिफरेंस आने लगेगा। 4-5 घंटे की दूरी में उतना डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन अगर मान लो आपको इंडिया से अमेरिका जाना है तो एक बंदा फ्लाइट से जा रहा है और दूसरा बंदा कह रहा है किसी और चीज़ से जा रहा है, तो वो वहाँ पर दिख जाएगा साफ साफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड अल्बर्ट रिसीव अ नोबेल प्राइज एंड फॉर व्हाट? कब अल्बर्ट ने नोबेल प्राइज पाया, रिसीव किया, एंड फॉर व्हाट, और किस लिए? तो अल्बर्ट रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज इन ईयर ऑफ 1921, 1921 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ही गॉट हिज प्राइज फॉर फिजिक्स, और इनको ये प्राइज फिजिक्स के लिए मिला। ठीक, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो ग्रेजुएट कब हुए थे, 1900 ईस्वी में, और 21 साल बाद उनको क्या मिल गया, नोबेल प्राइज। ठीक है ना, तो देखो ये आप लोग, सर ये तो बहुत छोटा आंसर लिखा है, तो कभी कभी बैठा मैंने बताया था आपको ना, क्वेश्चन जितना पूछे उसका आंसर उतना ही लिखो, उससे ज़्यादा आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसमें आप क्या लिखोगे? बहुत लिखोगे तो आप ये लिख सकते हो कि जो उन्होंने वो दिया था, थ्योरी दी थी टाइम ऑफ, सॉरी क्या कहते हैं, मैं भूल गया हूँ, मैं बता रहा हूँ थोड़ा के रुकिए, हाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना, तो मैं भूल गया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आप लिख सकते हो। उनको ये अवार्ड क्यों मिला? उनको अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है ना, आप ये लिख सकते हो फिजिक्स के अलावा, ये आप लिख दोगे तब भी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 14। टू होम डिड आइंस्टीन राइट लेटर्स? किनको आइंस्टीन ने पत्र लिखे? देखो लेटर्स लिखा यानी कि दो पत्र की बात हो रही है, किनको आइंस्टीन ने पत्र लिखे? तो दो पत्र लिखे थे वो देखते हैं। आइंस्टीन रोड टू लेटर्स, आइंस्टीन ने दो पत्र लिखे, फर्स्ट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट को, एंड द लास्ट वन टू द यूनाइटेड नेशन, और एक उन्होंने जो आखिरी पत्र लिखा था वो लिखा था यूनाइटेड नेशंस को। याद करो अमेरिकन प्रेसिडेंट क्यों लिखा था, बॉम्ब रोकने के लिए, और यूनाइटेड नेशंस को लिखा था एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की। लेकिन हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, कई लोग लिख देंगे वो, नहीं वो नहीं लिखना है, हमें सिर्फ उतना लिखना है जितना पूछा है, हमसे पूछा है किसको उन्होंने लिखा, तो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा और एक यूनाइटेड नेशंस को लिखा। ठीक, बस हमें इतना लिखना है। 15th लास्ट क्वेश्चन। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, मतलब और लेकिन मतलब आखिर तो नहीं बोल सकते हैं, बाद के डेकेड, डेकेड मतलब होता है देखो 10 साल को डेकेड कहते हैं, 10 साल क्या कहते हैं, डेकेड। तो अगले 10 साल जो पर अगले 10 साल आइंस्टीन टर्न टू पॉलिटिक्स, अगले 10 साल आइंस्टीन पॉलिटिशियन बन गए, मतलब वो राजनीति में आ गए। व्हाट डिड ही वांट, और वो क्या चाहते थे, मतलब आइंस्टीन अगले 10 साल बाद पॉलिटिक्स में आ गए और वो क्या चाहते थे, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा। आइंस्टीन टर्न टू पॉलिटिक्स एज ही वॉज वॉन्टिंग एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप। तो वो पॉलिटिक्स में इसलिए आ गए एज, जैसा कि ही वॉज वॉन्टिंग, वो चाहते थे एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप। आर्म बिल्डअप, यहाँ आर्म मतलब होता है वो बंदूक, देखो आर्म मतलब यहाँ मतलब क्या है, बंदूकें तोपें, तो जो तोप और बिल्डिंग, तोप और बंदूक की जो बिल्डअप, बिल्डअप मतलब जो बढ़ते जा रहे थे लोग, हर देश उस समय बम बंदूक ये सब बढ़ाते जा रहा था, तो इसको एजिटेट करना, रोकने के लिए, उसका अंत करने के लिए वो चाह रहे थे कि वो पॉलिटिक्स में आ रहे, वो ये सब अंत करें। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, और अपनी पॉपुलैरिटी यानी अपनी जो भी उनका जो प्रसिद्ध थे उसको लेकर, टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और वो जो उनकी पॉपुलैरिटी थी उसको वो ग्रैब करे और कैंपेन करे, कैंपेन मतलब एक तरीके से दौरा करे, यात्रा करे पीस और हार्ड डेमोक्रेसी के लिए, जहाँ पर वो अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी बोलते हैं ना प्रसिद्धि को, वो यूज़ कर सकें शांति और किसके लिए, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, प्रजातंत्र के लिए। फिर समझो क्या लिखा है, आइंस्टीन टर्न टू पॉलिटिक्स, आइंस्टीन पॉलिटिक्स में आ गए एज ही वॉन्टिंग एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप, वो चाहते थे कि जो जो बंदूक हैं, बंदूकें हैं, बम हैं, इनका जो बिल्डअप यानी जो इनकी जो बनते जा रहे थे उसको वो एंड करते, बंद कर दें। एंड यूजिंग ही पॉपुलैरिटी, और अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी प्रसिद्धि को वो यूज़ कर सकें टू कैंपेन, ताकि वो कैंपेन कर सकें, वो एक तरीके से यात्रा कर सकें फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और लोकतंत्र के लिए। ठीक, तो ये है आपके 15th क्वेश्चन का आंसर। कहीं भी हो सकता है एक दो जगह कहीं आपको त्रुटि मिली हो, तो कृपया उसको सही कर लें, और अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये है 15 क्वेश्चन, जल्द ही आपको फिफ्थ लेसन का भी वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो। ठीक, तो आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।